उत्तराखंड की राजधानी देहरादून एक ऐसा शहर जो मशहूर है अपनी खूबसूरती के लिए। देहरादून में पर्यटकों के लिहाज से वो सब मौजूद है जो किसी भी पर्यटक के लिए पर्याप्त होता है। देहरादून के बारे में कहा जाता है कि जो इस शहर में एक बार आया वो समझो यहीं का हो गया। यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य बेहद लुभावना है जो किसी भी पर्यटक को अपनी ओर खींच सकता है। लेकिन इसी सुंदर शहर में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो यहाँ की खूबसूरती को पहचान नहीं पाते हैं। जी हाँ, इन्हीं लोगों की वजह से यहाँ की सुंदरता को नुकसान पहुँचता है। ऐसा ही एक वीडियो नेशन वन आपको दिखाने जा रहा है। वीडियो में आप देख सकते हैं कि दो लड़के स्कूटी में गांधी पार्क से एशले हॉल जाने वाली रोड पर जा रहे हैं, जिसमें पीछे बैठा लड़का हाथ में हथौड़ा लिए चलती स्कूटी से किस तरह से रोड के साइड में लगे पौधों पर हथौड़ा मार रहा है। साथ ही आगे बैठा लड़का भी इसमें उसका साथ दे रहा है। एक तरफ सरकार पर्यावरण को बचाने के लिए लाखों कोशिश कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर इन जैसे न जाने कितने लोग सरकार की तमाम कोशिशों पर पानी फेरने का काम कर रहे हैं। वहीं जब नेशन वन ने उत्तराखंड पुलिस को इस पूरे मामले के बारे में बताया, तो पुलिस ने मामले को संज्ञान में लेते हुए दोनों लोगों की पहचान कर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट नेशन वन।